हे ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्ज़ाम में हम सभी लोगों को डर सताता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हूबहू एग्जैक्टली याद आएगा या नहीं। अब देखिए, अगर हम एग्ज़ाम तक वेट करें कि भैया याद आएगा कि नहीं याद आएगा, तो फिर एग्ज़ाम में आके बड़ी देर हो चुकी होगी। याद आया तो ठीक, नहीं याद आया राम राम, एक साल और वेट करेंगे। किसी के पेरेंट्स कहेंगे नहीं भाई, कहीं भी एडमिशन ले लो, बट नो, और एक चांस नहीं दिया जा सकता। सर, ये सब हमें पता है, आप तो ये बताइए कि याद कैसे रहेगा, ये कॉन्फिडेंस हमें कैसे आए कि याद आएगा ही याद आएगा एग्ज़ाम में। तो भाई, सभी लोगों को मैं बता दूं आपको कि आप हमेशा बुक और कॉपी और नोट्स और YouTube से पढ़े हैं, सामने स्क्रीन पे लिखा रहता है। कई बार बच्चा पेपर दे के आता, बोलता यार पेपर में एकदम ब्लैंक, आई वॉज टोटली ब्लैंक, बट घर आती सब आ गया। अरे कैसे नहीं याद आ जाएगा, आपने नोट्स खोल के देखे, आपको दिख गया कॉन्सेप्ट, या आप बात करते हुए आए हैं, डिस्कशन इतना लेंदी डिस्कशन, सब कुछ याद आना ही था। तो समस्या इस बात की है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉपी जब सामने होती है तो सब याद आता है, या हम नोट से पढ़ रहे होते हैं, या NCERT से पढ़ रहे होते हैं, या YouTube से पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ दिखता है, सब कुछ याद आता है। भाई हमें क्या एग्ज़ाम में YouTube दिखेगा? क्या NCERT होगी हमारे पास? क्या नोट्स होंगे हमारे पास? या हम दोस्तों से बात करना अलाउड होगा, फोन ए फ्रेंड, ये सब अलाउड होगा क्या? कुछ भी भाई लोगों, ये सब कुछ अलाउड नहीं होगा, कुछ भी नहीं अलाउड होगा। सब कुछ जोड़िए, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। आप इवन मूव भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप होंगे और आपकी तन्हाई और सामने हवा होगी। तो क्यों ना लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हम कुछ ऐसे करें कि अभी के अभी हमें क्लियर हो जाए कि भैया याद आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो कुछ करते हैं। तो भाई इसको बोलते हैं ओरल रिवीजन। क्या बोलते हैं? ओरल रिवीजन। क्या बात सुन मेरी सभी को, इफ यू आर गोइंग टू डू द ओरल रिवीजन माई डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये चिंता कभी नहीं सताएगी कि एग्ज़ाम में याद आएगा कि नहीं याद आएगा। और इसी के लिए मैंने बहुत मेहनत से एक टेस्ट सीरीज़ चला, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, हमेशा टेस्ट सीरीज़ ही मुँह से निकलती कि चला रखी है। देखिए, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसको देखो मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँ, आकाश ज्वाइन कर लूँ, एलन ज्वाइन कर लूँ, वेदांतु ज्वाइन कर लूँ, या फिर कोई और ज्वाइन कर लूँ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आपकी एक्यूरेसी को नहीं इंक्रीज करता है, बल्कि और डराता है कि भाई हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं याद आया, इम्प्रूवमेंट कोई नहीं कराता। तो कैसे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे कि भाई हमारा पहले हमको सब याद आए, जो हमने पढ़ा है इतना सब हमने इकट्ठा किया दिमाग में, वही नहीं याद रहा है, तो फ़ायदा क्या? तो उसके लिए ओरल रिविज़न। और मैं अभी तक 3 लेक्चर डाल चुका हूँ NCERT क्लास 12th एल्किल हैलाइड पर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सोचा, बहुत देखा मैंने, बच्चों को यही शिकायत आ रही है कि सर कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं, और ये डर हमारा कॉन्फिडेंस को इतना गम कर रहे सर कि पूछो मत, दिन रात यही डर सताता है कि भैया एग्ज़ाम में याद आएगा कि नहीं। तो ओरल रिविज़न करिए, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि केमिस्ट्री हवा में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिख रही है तो अच्छी बात, नहीं दिख रही है तो मैं आपको 100% प्रॉपर सॉल्यूशन देता रहता हूँ कि कैसे मेमोरी बढ़ाई जाए। मेरे लेक्चर रिवीजन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वही क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर मेरे बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, तो जानते ही हैं आप, जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, 22 ईयर्स से वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, वही क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली वही क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में तो छोड़ो, नीट में वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, वही टॉपिक्स आ जाते हैं, वही सब कुछ आ जाता है। एक्सपीरियंस, दिस इज द एक्सपीरियंस। तो आप उस NCERT को ज्वाइन करिए उसकी, और मैं बहुत ही स्पीडली बोलता हूँ उसमें, ये नहीं कि टाइम लगाऊँ कि यूट्यूब की तरह लोग इतनी गप्पे मारेंगे, फिर 20 मिनट की चीज़ को 2 घंटे में पढ़ाएंगे, और मैं क्या करता हूँ 1 घंटे की चीज़ को स्पीडली बोल के रिवीजन करा के 1/2 घंटे में 25 मिनट में कवर अप कर रहा हूँ। और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ों को, ये तुलसी है, तुलसी देखिए मैंने कहा ना, एक पौधे के साथ बैठ जाइए, नींद नहीं आएगी आपको, ना आलस आएगा ना नींद आएगी, फुल एनर्जी आएगी,
राइट, तुलसी है। हाँ खैर, तो आप उसको ज्वाइन करिए, उसको बार बार देखिए और आपको पता चल जाएगा। अगर आप प्रॉपरली उसके साथ कॉप अप कर सकते हैं तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, और नहीं कर सकते हैं तो आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और उस लेक्चर को जो एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स में चला रहा हूँ, उसको सिर्फ वही कर सकते हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वरना हवा में दिखना आपके बस की बात नहीं। और आपको अगर 700, 650, 720 मार्क्स लाने, तभी उस लेक्चर को देखें आप, नहीं तो फिर किताब कॉपी लेके भैया बैठ के आराम से पढ़ें। अगर आपके सिलेक्शन के लाले पड़े हुए हैं, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज कि आप सिलेक्शन ही नहीं सोच पा रहे हैं, तो मत देखें। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रैंक, वेरी गुड सिलेक्शन, टॉप 100 रैंक, देन ओनली इट्स फॉर यू, नॉट फॉर ऑल द पीपल, राइट। तीन लेक्चर ले चुका हूँ, अभी थोड़ी देर में चौथा लेक्चर भी उसमें डालने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं पढ़ते पढ़ते। बाय बच्चा लोग।